घुग्घुस शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से कचरा हटाओ घुग्घुस बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। घुग्घुस शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से कचरा हटाओ घुग्घुस बचाओ मुहिम की शुरुआत हुई। घुग्घुस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के निमित्त कचरा हटाओ घुग्घुस बचाओ रोग भगाओ जीवन बचाओ इस मुहिम की शुरुआत हुई। 29 सितंबर को घुग्घुस शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजू रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी की ओर से अमराई वार्ड नंबर 1 में स्थित बहादे प्लाट में बड़ी मात्रा में जमा कचरे के ढेर को साफ करने हेतु कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता तथा स्थानीय नागरिक हाथ में झाड़ू लेकर जेसीबी ट्रैक्टर वाटर टैंकर के साथ सफाई मुहिम के आंदोलन की शुरुआत की। इस समय कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी, कांग्रेस नेता शेषराव ठाकरे, मुन्ना भाई लोहानी, कामगार नेता सैयद अनवर, शेखर तंगलपल्ली, अजय उपाध्याय, रमेश महाकाली, विजय माटला, शाहबाज शेख, किरण पुरेली, जाफर शेख, अमित रामगिरी, अंकुश सपाटे, हरीश कांबड़े, बालकिशन कुड़संगे, हिरदीप अजीत पिरीपका, रंजित राकुंडे, पांडुरंग जुरानकर, सैयद सरफुद्दीन, राजू मासिरकर, लक्ष्मी मानुसमारे, वंदना चिरसागर, अनसैया सुरम, यास्मीन सैयद, शीला चिरवतकर, सविता गद्दलवार, सविता पोपटकर, बेबीताई मारेकर, सुलोचना गेडाम, अरुणा गोगला के साथ में अमराई वार्ड के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। घुग्घुस से हमारे संवाददाता प्रणय कुमार बंटी की रिपोर्ट। घुग्घुस के अंदर में वार्ड नंबर 1 क्रमांक में बच्चों को खेलने के लिए ओपन ग्राउंड है, उसके अंदर में पूरी तरह से कचरा ला के जानवर मरा हुआ या किसी तरह की गंदगी या मटन चिकन की गंदगी ये सभी ला के यहाँ डाला जाता है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इस ये ग्राउंड में खेलते साथ में खेलते ही उन लोगों को डेंगू जैसा बीमारी आना चालू हो गया। घुग्घुस के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू दिखने लग गए, तो हम लोग ने अपना घर समझ के घुग्घुस जैसा अपन अपने घर को सुंदर साफ रखते हैं, ऐसा हम लोग घुग्घुस को 2-3 दिन का मुहिम चढ़े हैं ताकि घुग्घुस को जितना ज़्यादा गंदगी है उस एरिया में पहुँच के गंदगी साफ करे। इसलिए सभी से विनती करता हूँ, सभी जन आके इस कार्यक्रम में प्रोग्राम में सहभाग हो जाए। या घुग्घुस वस्ती मध्ये आज जे प्रदूषण वाढलेलं आहे आणि या दसरा मैदानावर इतका प्रदूषण झालेलं आहे का या प्रदूषणामुळे या परिसरातले लोक घाणेमुळे इतके त्रस्त होऊन गेले आहेत, तरी परंतु एकाएका पूर्ण हे कोंबड्याचे आतडे बकऱ्याचे आतडे आणि जे मेलेले गुरंढोरं हे सर्व इथं डुकरं आणून टाकतात आणि या आरोग्याला इतका धोका आहे, परंतु इथे कोणीही लक्ष देत नाही। मनुष्याला 5 गोष्टीची आवश्यकता आहे, अन्न वस्त्र निवारा आणि आरोग्य आणि शिक्षण या 5 मूलभूत गरजा आहे, परंतु या गरजाकडे कोणीही लक्ष नाही देता ही शोकांतिक आहे। आणि या मुख्य गोष्ट म्हणजे एकाएका आरोग्याला एवढा धोका आहे का इथे वासेचं घाणेरडं एकाएका माहेरघर झालेलं आहे, तरीही या इथल्या नेत्या लोकांनी थोडंसं लक्ष देऊन सनी इथं या मैदानाची साफ स्वच्छता करावी हीच विनंती।